Hello everyone, this is DF and today we will learn here in this class the most important topic and that is permutation. Or permutation ke andar aaj jo hum yahan pe seekh rahe hain the factorial notation. Factorial notation ki agar baat karein to uski definition is tarah banti hai, the product of first natural number is denoted by n factorial. Yes friend, the product of first natural number is denoted by n factorial and read is as factorial n. Yes friend, this is the n factorial and read is as factorial n. Friend, this symbol we called it factorial, or also we write that this symbol means this symbol or this symbol, these both symbol represent the factorial. Yes friend, n factorial ko expand karne ke liye hamare paas ek rule hota hai, aur usko kis tarah hum expand karte hain. First of all n, ab is n mein se hum एक सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन, फिर इस सेकंड में से फिर n n माइनस, जब यहां से हमने वन सबट्रैक्ट किया है तो फिर एक और सबट्रैक्ट करेंगे तो ये n माइनस टू. फ्रेंड उसके बाद ये चलता रहेगा n माइनस थ्री. कब तक चलता रहेगा? जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो ये थ्री टू और वन का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ एन फैक्टोरियल को हम इस तरह एक्सपॉन्ड करेंगे कि आखिर में जो इसकी रिजल्ट आएगी वो फर्स्ट नेचुरल नंबर तक जाके मिलेगी. फ्रेंड्स ये तो था जनरल फार्मूला फॉर फैक्टोरियल नोटेशन. अगर हमसे कुछ वैल्यूज का फैक्टोरियल पूछा जाए तो किस तरह करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. जैसा कि हमारे पास है फोर फैक्टोरियल, फोर का फैक्टोरियल पूछा जाए तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे एन है, एन मीन्स फोर, और उसके बाद क्या आ जाएगा n माइनस वन, एन मीन्स फोर, माइनस वन मीन्स थ्री, उसके बाद क्या n माइनस टू मीन्स n मीन्स फोर माइनस टू, उसके बाद टू, उसके बाद n मीन्स फोर थ्री, तो ये हो जाएगा वन. इसको एक्सपांड किया है फोर फैक्टोरियल को तो हमें रिजल्ट मिली है फोर थ्री टू वन. और जैसा कि डेफिनेशन में भी हमने यहाँ पे बयान किया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, तो फ्रेंड इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगी वो फोर फैक्टोरियल के बराबर होगी. फोर थ्री जा 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24, मींस 4 फैक्टोरियल की जो हमें वैल्यू मिली है वो 24. ड्यू टू द फॉलोइंग तो हम इन पे डिस्कस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा एग्जांपल है 39 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल. यहां पे न्यूमिरेटर में हमारा 39 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर 38 फैक्टोरियल. फ्रेंड्स यहां पे क्या करेंगे, हम जो न्यूमिरेटर है ना उसको उस नंबर तक एक्सपॉन्ड करेंगे जब तक हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है. तो फ्रेंड्स 39 यहाँ पे है, उसके बाद आएगा फ्रेंड क्या n माइनस वन, तो 38 फैक्टोरियल, और इसको हम 38 फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 38 फैक्टोरियल है. तो 38 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो फ्रेंड रिजल्ट हमारी आ जाएगी 39. ये फ्रेंड इसका जो रिजल्ट आएगा 39. उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल. जैसा कि अभी अभी जनरल फार्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से इसको हम यहाँ पे एक्सपॉन्ड करेंगे. तो फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा n प्लस वन, उसके बाद क्या होगा जब सबट्रैक्ट करेंगे वन वन में चला जाएगा तो फ्रेंड बचेगा यहाँ पे n, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर इस n से n माइनस वन सबट्रैक्ट. जैसा कि डिनोमिनेटर n माइनस वन फैक्टोरियल है तो इसको n माइनस वन फैक्टोरियल तक ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन डिनोमिनेटर वाला. डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो फ्रेंड्स इसकी जो रिजल्ट बनेगी ये हो जाएगी n n प्लस वन. ये फ्रेंड ये आगे सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n, या यहां तक भी इसका ये आंसर ठीक होगा. उसके बाद फ्रेंड थर्ड एग्जांपल है हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 5. फ्रेंड्स अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले हम इसको 5 और 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे न्यूमिरेटर में माइनस 5 के और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल. ये तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में हो जाएंगे कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गए हमारे 5 और यहाँ पे सब माइनस के 5, माइनस के 5 प्लस के 5, फ्रेंड्स रिजल्ट आ जाएगी 0. ये फ्रेंड तो इसकी जो रिजल्ट होगी 0. फ्रेंड्स यहां तक हमारा फैक्टोरियल नोटेशन के हवाले से डिस्कस हुआ है, इसका बेस पढ़ा, उस पर कुछ हमने एग्जांपल किए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.